A very good morning, student. This is Srikant, and our class 9, Political Science, Chapter 2, Constitutional Design, continue. Students, previous classes we have discussed about Constituent Assembly and the prominent member of the Constituent Assembly. Today we will discuss about the philosophy of a constitution. Okay, and it is the last topic of this chapter. And very important also. And student, first of all, philosophy. And student, the value of our Indian constitutions is taken from freedom struggle and implementing in a democracy. यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल से क्या किया बेटा, लिया है उसको एंड इंप्लीमेंटिंग इन अ डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, एंड द वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू ओके आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल. यानी कि जो वैल्यू है उसको एज अ प्रीएम्बल हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा क्या किया है, उसको इंक्लूड किया है. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन यू नो स्टार्ट विथ प्रीएम्बल. यानी कि जो आप बेटा देखोगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होती है, प्रस्तावना से स्टार्ट होती है. ओके, एंड द प्रीएम्बल एक्ट एज अ समरी. जो प्रीएम्बल है एक्ट एज अ समरी. ओके, एंड व्हाट शुड बी अवर नेशन, मतलब हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, एंड विच द वैल्यूज आर इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड सो ऑल दीज वैल्यूज आर इंक्लूड इन प्रीएम्बल्स. यानी कि जो सारी वैल्यूज है वो प्रीएम्बल में हमारे इंक्लूड्स है. ओके स्टूडेंट्स, यू विल सरप्राइज हियर, एंड द यूएसए, United States of America, and the first nation who implement their first constitution, मतलब यानी कि अपना संविधान पहले लागू किया था. ओके, एंड सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो भारत का बेटा जो संविधान है ओके उसको हम लोगों ने बेटा जो है वी इंस्पायर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. यानी कि उस यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए की जो प्रीएम्बल, उससे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा क्या किया है, स्टार्ट किया है प्रीएम्बल से, फ्रॉम प्रीएम्बल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स द प्रीएम्बल्स हम लोगों ने पहले क्या, वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड देयर आर मेनी वैल्यूज ओके व्हिच आर इंक्लूड इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 51 पर बेटा देख लीजिए, और लगभग जो है प्रॉक्स जितने भी एनसीईआरटी की बुक होती है उसके पहले पेज पर ही सारा जो है सारे पेज पर प्रीएम्बल लिखा होता है. और एंड इट्स योर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, एंड वी रिमेंबर द प्रीएम्बल्स, वी शुड रिमेंबर द प्रीएम्बल. हमें जो है प्रीएम्बल को याद मतलब करना चाहिए, और आप ये लोग याद नहीं करते हो, याद कर लीजिए इसको. ओके, एंड आवर प्रीएम्बल स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल्स ऑफ इंडिया. स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक देखिए, एंड ऑल पॉइंट्स यू विल नोट इन राइट इन योर नोटबुक. ओके, आवर प्रीएम्बल स्टार्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स मीन हम भारत के लोग, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप द इनेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट वॉज ड्रॉन एंड इनेक्टेड बाय द पीपल. ओके, एंड इट्स थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि जो संविधान है बेटा उसको हम भारत के लोगों ने उसको जो है इनेक्ट किया है, ड्रॉन अप किया है थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से. और यू नो एंड देयर आर टोटल 299 मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसको वो हमारे क्या थे, दे वेयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, एंड दे राइट द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे राइट द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट्स मीन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, and it is the
drawn up or written drawn up enacted by the peoples through our representatives. ओके, ये मतलब किसी दूसरे कंट्री से हम लोगों ने इसको नहीं लिया है, उसको हम लोगों ने इसको डायरेक्ट जो है किसी ने ला करके नहीं दिया, ले लीजिए एंड यस प्लीज टेक अप द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है. ओके, उसको हम लोगों ने बनाया थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, एंड सेकेंड स्टूडेंट लुक वेयर केयरफुली, देखिए बेटा, हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया, और हम लोग दृढ़ निश्चय करते हैं एंड हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू, मतलब आज हम लोग भारत, मतलब हम लोग जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग दृढ़ निश्चय करते हैं, क्या करते हैं एंड क्या बनाने के लिए, सेवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ओके, एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको हम लोग देखते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज कंप्लीट एंड सेवरीन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवरीन? सेवरीन मींस इंडिया इज नाउ अ फुल इंडिपेंडेंट कंट्री. ओके, एंड अवर इंडिया टेक ऑल डिसीजन इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. यानी कि जो इंडिया बेटा है, नाउ अवर इंडिया इज इंडिपेंडेंट, फुल इंडिपेंडेंट कंट्री है. ओके, और वो पूरी जो है, पूरा जो है, जो बाहरी जो ताकतों के अधीन नहीं है. ओके, एंड इंडिया टेक्स ऑल इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, मतलब भारत के आंतरिक मामले में और बाहरी मामलों में खुद से वो डिसीजन लेगा. यहाँ पर कोई जो है अमेरिका, चीन या फिर जो है जापान, जो है कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है. नो एन अदर कंट्रीज इंटरफेयर द इंडिया इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. आई होप इट्स क्लियर. एंड नेक्स्ट इज द सोशलिस्ट. इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री एज इज द इट्स टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया. ओके, एज वी डिस्कस्ड, ओके, इन क्लास 9 सेकेंड चैप्टर रशियन रिवोल्यूशन. ओके, सोशलिस्ट मीन्स द लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल्स. यानी कि इस जो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बेटा रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है. ओके, द वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी. यानी कि जो वेल्थ है, जो रिसोर्सेस है, उसको क्या है बेटा, जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली फॉर द सोसाइटी, और उसको सोसाइटी में इक्वल क्या करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए. एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, यानी गवर्नमेंट शुड रेगुलेट सम पॉलिसीज, ओनरशिप एंड लैंड एंड द इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी. एंड गवर्नमेंट शुड बी मेक सम स्पेशल पॉलिसीज एंड लॉज, ओके, एंड विच आर रिड्यूस इनइक्वलिटी इन सोसाइटी. एंड गवर्नमेंट, आप जानते हो बेटा, लैंड रिफॉर्म दे ब्रिंग्स द लैंड रिफॉर्म्स, जो है भूमि सुधार लाया, उससे क्या हुआ, गरीबों, मतलब जो भी लैंडलेस पीपुल, उनको जो है लैंड्स को लैंड प्रोवाइड किया गया, और बहुत सारी पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, ओके, ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट, ओके, टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी. ओके, एंड द अवर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू वेरी मच फेवर ऑफ अ सोशलिस्ट. ओके, एंड सो दे आर इंक्लूड इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट. आई होप इट्स क्लियर. एंड थर्ड वर्ड इज द सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स होता है देयर इज नो एनी अदर ऑफिशियल रिलीजन, देयर इज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन एंड ऑल रिलीजन इज इक्वल, मतलब सारे जो है बेटा क्या है, धर्म समान है. इन इंडिया, भारत में सारे रिलीजन क्या है बेटा, इक्वल है. ओके, सेक्युलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष. ओके, देयर इज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन. ओके, एंड द गवर्नमेंट शुड ट्रीट इक्वल टू ऑल रिलीजन एंड ऑल पीपल्स हैव अ राइट्स एंड दे कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन, दे कैन प्रोफेस एनी रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म को वो मान सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उसको प्रचार, उसको प्रोसेस कर सकता है. ओके, एंड all religions believe and practice with the equal respect, the government treat all religious belief practice with the equal respect, मतलब जो government है बेटा वो सारे religions को equal जो है respect देता है, equal जो है belief देता है. okay, यहाँ पर किसी भी तरह का discrimination नहीं है. okay, and there is no any official religion, यहाँ पर भारत में कोई official religion नहीं है. okay, and the third is the democratic. third is the democratic, as you know, democratic means the form of government where the rulers are elected by the peoples. Yes students, yes, told me, just tell me, bataiye aap. Okay, in India the prime minister
ओके आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी कि हमारे देश में जो रूलर्स हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ओके तो हमारे इंडिया मतलब हम लोग क्या बनाएंगे, इंडिया को वी विल मेक अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके एंड थर्ड लास्ट ये रिपब्लिक्स। ओके रिपब्लिक का मतलब है नाउ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, मतलब भारत एक जो है लोकतांत्रिक और गणराज्य है। रिपब्लिक मीन्स एट द हेड ऑफ नेशन, इट्स मीन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड बाई द पीपल्स। ओके इलेक्टेड बाई द पीपल, यानी कि हमारी जो कंट्री का हेड होगा इट्स मीन द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई द पीपल्स। ओके देयर पोस्ट इज नॉट हेरिडेटरी। ओके मतलब यानी कि उसका जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एंड द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आफ्टर हिज रिजाइनेशन एंड हिज सन ओके डॉटर मेक अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया बेटा जो भी जो हेड होगा एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, मतलब वो जो है डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा जो है इलेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट इज द जस्टिस। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब यहाँ पर बेटा क्या है, सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिलीजन कास्ट। ओके यानी कि हम लोग जो बेटा किसी के भी साथ जो है जेंडर रिलीजन कास्ट के साथ जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ओके डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट रिलीजन एंड द जेंडर। ओके एंड सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस। ओके एंड सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू रिड्यूस एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पेशली द डिसएडवांटेज ग्रुप जस्ट लाइक एससी एंड एसटी। एंड जस्टिस का मतलब होता है बेटा न्याय, यानी कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ओके एंड द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ आर द स्पेशली ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप जस्ट लाइक एससी एसटी एंड द ओल्डेस्ट पर्सन फिजिकली चैलेंज पर्सन। ओके लिबर्टी, कैसी आज़ादी चाहिए आपको, लगातार व्हाट्सएप देखने की आज़ादी, लगातार जो है यूट्यूब चलाने की आज़ादी, फेसबुक चलाने की आज़ादी, गेम खेलने की नहीं, दिस यू नेवर शुड वांट दिस टाइप्स ऑफ लिबर्टी। ओके एंड यू शुड क्या चाहिए, विच आर ग्रोथ योर लाइफ, जो आपको ऐसी आज़ादी जो कि आपकी लाइफ को बढ़ा सके, एंड विच आर रिस्पेक्ट टू विच गिव यू रिस्पेक्ट टू योर लाइफ, जो आपके लाइफ को जो है रिस्पेक्ट दे सके, कैन गिव अ रिस्पेक्ट जस्ट लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको क्या चाहिए बेटा, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको बोलने की आज़ादी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। ओके राइट टू फ्रीडम एनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। ओके और ये सब आज़ादी चाहिए कि ना कि ये जो है फेसबुक व्हाट्सएप वाली आज़ादी। ओके ये सब रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए बिल्कुल। ओके लिबर्टी आर नो सॉरी ये लिबर्टी देयर आर नो अनसरेबल restriction on the citizens what they thinks and what they wish to express their thought and they wish to follow up their thoughts in action. Okay and equality ka matlab hota hai samanta and all the equal before the law, every people is equal before the law. If he belong to the prime minister or auto puller, okay, and every people's have a treat equal, मतलब दोनों के साथ equal treatment होना चाहिए, should there is a equal treatment for both and auto puller and prime minister, and the traditional social inequality have to be ended, and the government should ensure the equal opportunity to all, यानी कि सभी लोगों को समान अवसर provide करना चाहिए, this is the equality, okay, equality and the fraternity, last is the fraternity, fraternity का मतलब होता है, fraternity means ब्रदरहुड भाईचारा, उसको हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर द मेंबर ऑफ सेम नेशन सेम फैमिली। स्टूडेंट वी इमेजिन वी आर द मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली, हम लोग सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, एंड शो वी ट्रीट एवरी पीपल्स जस्ट लाइक अ ब्रदरहुड। ओके एंड वी जस्ट नॉट बिहेव एंड पीपल्स माइंड्स अपसेट्स। ओके एंड वी फील इनफीरियर इन सोसाइटी। ओके अपने आप को वो कैसी फीलिंग लाए जो है इन्फीरियर, मतलब उसको ना समझे, तो
वी अंडरस्टूड दैट वी आर द पार्ट ऑफ अ सेम नेशन एंड सेम फैमिली, ओके, एंड वी शुड लीव एज अ ब्रदरहुड. हम लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, फ्रेटर्निटी के साथ रहना चाहिए. ऐसे जो है बेटा क्या होगा, सोसाइटी डेवलप्ड होगा, हमारा नेशन डेवलपमेंट होगा, ओके. एंड दिस इज ऑल अबाउट फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप इट्स क्लियर एवरी स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.